दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आपने एक बात सुनी है तो अच्छा है, नहीं सुनी तो चलिए मैं सुना देता हूँ कि सीढ़ियों चढ़ के तो छत पे जाया जा सकता है, लेकिन अगर आसमान छूना है तो उड़ान भरनी पड़ेगी। चलिए इसी उड़ान की कहानी को लेकर आगे चलते हैं। सफल होने के लिए सिर्फ हार्डवर्क की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान रखना पड़ता है। उन छोटी छोटी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि एक मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि अच्छा काम करना। जिंदगी में आप जो भी काम कर रहे हो, किसी के लिए भी कर रहे हो, एक अच्छा काम जरूर कर देना। हो सकता है वो अच्छा काम पलट के आपकी लाइफ में वापस आ जाए और जो भी आपको चाहिए लाइफ में वो सब आपको मिल जाए। तो इसी को लेके एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, और दोस्तों इसको पूरा सुनिएगा क्योंकि यही तक एक मेरे स्टूडेंट के साथ भी होता है और वो अपनी ज़िंदगी में एक हर दिन एक अच्छा काम जरूर करता है, तो उसके बारे में भी मैं आपको जरूर बताऊँगा। तो एक डॉक्टर है, जब वो क्लिनिक जाता है तो उसकी पत्नी उसको एक लिस्ट थमा देती है। उस लिस्ट में होता है उस दिन का सामान। तो डॉक्टर क्या करता है कि वो उस दिन के पेशेंट से केवल उतना ही पैसा लेता है कि उनके लिस्ट का सामान पूरा हो जाए। जब उसको लगता है कि लिस्ट के सामान का पैसा पूरा हो चुका है तो उसके बाद वो किसी भी पेशेंट से पैसा नहीं लेता है और सारे पेशेंट का काम फ्री में करता है। मतलब उनको जो दवाइयाँ लिख कर देता है, उनको जो बताता है, उनको जो कंसल्ट करता है, वो सब फ्री में करता है। तो वो हर दिन ऐसा ही करता है, वो एक लिस्ट लेके आता है। लिस्ट में उसकी जो रोज़मर्रा की उसकी चीज़ें होती हैं, सिर्फ उतना ही पैसा वो लेता है तब तक जब तक कि वो पैसा पूरा ना हो जाए। और जब वो पूरा पैसा हो जाता है तो उसके बाद वो अपने पेशेंट से कोई भी पैसा नहीं लेता है। तब दोस्तों एक बार क्या हुआ कि उसकी पत्नी ने लिस्ट में रोज़मर्रा की चीज़ें तो लिखी पर नीचे लिख दिया कि आज बिटिया की शादी है और शादी के लिए उसके बहुत सारे सामान जो कि शादी में ज़रूरत पड़ती है, सो लंबी चौड़ी लिस्ट बना दी। जब डॉक्टर गया अपने क्लिनिक और उसने लिस्ट खोली तो देखा कि इसमें वो जो नॉर्मल चीज़ें थी उसके अलावा बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें थी, तो वो कैसे करे। वो सोचता रह गया कि यार ये इसको ख़रीदने के लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए, मैं एक दिन की कमाई से तो वो खरीदे नहीं जा सकते, तो वो चिंता में पड़ गया। तब उसने देखा कि उसके जस्ट सामने एक कार रुकी लंबी सी, उस कार से एक आदमी आया और उस व्यक्ति ने कार से उतर के क्लिनिक के अंदर गया और डॉक्टर साहब को मिठाई खिलाई और कहा कि मेरे घर बच्चे हुए हैं और इसका सिर आपको जाता है। तो डॉक्टर साहब समझ नहीं पाए कि भाई ऐसा क्यों। सो उसने बताया कि डॉक्टर साहब याद है आपको, एक दिन की बात है कि मेरी कार आप ही के क्लिनिक के बाहर खराब हो गई थी और वो कार बन रही थी, उस दौरान मैं आपके क्लिनिक के बाहर बैठ गया था और उस समय आप अपने क्लिनिक में थे और मैंने आपके क्लिनिक के बारे में थोड़े आसपास के लोगों से पता भी किया था कि भाई ये एक आदमी है जो केवल उतना ही पैसा लेते हैं जितना लिस्ट में लिखा हुआ, उसके बाद अपने पेशेंट से कुछ भी पैसा नहीं लेते हैं। सच बताया तो आप जब घर जा रहे थे तो आपने मुझे देखा कि मैं आपकी क्लिनिक के बाहर बैठा हुआ हूँ, तो आपको लगा कि हो सकता है मैं बीमार हूँ। आपने मुझसे पूछा कि क्या बात है, तो मैंने आपको बताया भी कि मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं, मेरे घर में भी संतान नहीं है, तो उसका कोई उपाय अगर हो सकता है तो आपने एक मुझे दवाई दी और कुछ दवाइयाँ लिख के दी और कहा कि इसका सेवन करो तो हो सकता है कि तुम्हारे घर संतान हो जाए। और अब मैंने आपको जिद करके पैसे दिए कि आप कम से कम दवाई का पैसा तो रख लो, सो आपने वो भी मना कर दिया। आपने कहा कि भाई मेरा जितना पैसा मुझे चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। मैं आपको सच बताऊँ कि आप ही की दवाई के कारण आज मेरे घर में बच्चे हुए हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मेरे घर में एक मेरी भांजी की शादी है और जब मैं उसके सामान खरीदने गया तो मुझे पता था कि आपकी भी एक बेटी है, तो आपकी बेटी मुझे अपनी छोटी बहन जैसी लगी, तो उसके लिए भी मैंने वही सामान खरीद लिया जो मैंने आपकी भांजी के लिए खरीदा था और वही आपको देने आया हूँ। तो वो चौंक गया, उसने कहा कि ये तो कमाल हो गया, यही सारा सामान मुझे मेरी वाइफ ने सवेरे लिखा था कि भाई ये सारा सामान लेकर आना, और मैं काफ़ी हैरान था कि इतना सारा महंगा सामान मैं कैसे लाऊँ, और ये बड़ी किस्मत की बात है कि तुम आए और तुमने मुझे सामान दिया। सो दोस्तों देखा आपने, ज़िंदगी में अगर आप किस्मत के भरोसे बैठोगे तो कभी ऐसा कुछ भी नहीं होगा आपके साथ। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में कुछ भी कीजिए, कुछ ना कुछ एक छोटी सी चीज़ अच्छी कर दीजिए जिससे किसी का भला हो जाए, तो हो सकता है कि जीवन में आपका भला करने के लिए ऊपर वाला छप्पर फाड़ दे। दोस्तों यहीं पर मैं बात बताना चाहता हूँ, मेरे एक स्टूडेंट है जो मोबाइल की रिपेयरिंग की जो अच्छी खासी शॉप चलाता है और काफ़ी 8-10 सालों से काम कर रहा है, उसने मुझे एक दिन बताया कि वो किस तरह से काम करता है। तो उसने बताया कि सर मैं दिन में अगर मैं 10 मोबाइल भी सुधारता हूँ तो उसमें से एक मोबाइल का पैसा नहीं लेता हूँ, और वो मैं जनरली उन लोगों से नहीं लेता हूँ जो बुजुर्ग है, जो असहनी है, या जो पैसे देने मुझे नहीं लगता है कि जो मुझे पैसे शायद ना दे पाए, मैं उनका मोबाइल फ्री में रिपेयर कर देता हूँ और मुझे उनसे बहुत खुशी मिलती है। दोस्तों आप 10 काम कीजिए, आप 100 काम कीजिए, पर मुझे लगता है अगर वे काम फ्री में करके दे देंगे, छोटा बड़ा जैसा भी आपके जो भी आपके
पॉकेट में लगे, जो भी आपकी सोच में लगे, तो आप देखेंगे कि जीवन में एक दिन ऐसा आएगा कि आपके सारे काम पूरे हो जाएंगे। इसी को लेकर मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया, और जीवन में अब से आप ठान लीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप भी ऐसा करने वाले हैं कि नहीं करने वाले। आप दिन भर जितने भी काम कीजिए, एक छोटा सा काम किसी न किसी के लिए कुछ फ्री में कर दीजिएगा, देखिएगा कि दिल को कितना अच्छा लगता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे चैनल को जितना हो सकता है दोस्तों शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो आपको देता रहूँगा, यही उम्मीद करता हूँ। मेरी दिल की बात आपके दिल तक पहुँचे, यही मेरा खुद से वादा है, और इसी को लेके फिर से आऊँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। मिलता हूँ, थैंक यू वेरी मच।